हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए प्राचीन इतिहास से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, ये जो सेशन है आज का, इसमें जितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो कराए जाएंगे दोस्तों, वो प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। अब दोस्तों, हड़प्पा के लोगों की यदि सामाजिक पद्धति की मैं बात करूं, तो ये तो बड़े से चर्चा का विषय भी है और थोड़ा सा विवाद का विषय भी है। दोस्तों, यहाँ की जो इकाई थी, समाज की इकाई, वो परिवार पर आधारित थी। दोस्तों, यहाँ पर हमको जो मोहरें मिलती हैं, उस पर एक मातृ देवी की पूजा से यह स्पष्ट होता है कि यह सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता रही होगी। इसके आधार पर दोस्तों, हम कह सकते हैं कि यह जो सभ्यता थी, यह उचित समतावादी, ठीक है, मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। तो दोस्तों, यह जो स्थल है वह है सतलज नदी के किनारे पर। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम देखें तो हड़प्पा कालीन कई सारे ऐसे स्थल हैं जो किसी ना किसी नदी के किनारे स्थित हैं। जैसे हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के किनारे है, ठीक है, जो हड़प्पा स्थल है अपने आप में वो किसके किनारे है, रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा दोस्तों घग्गर नदी के किनारे है। लोथल, याद रखना दोस्तों, लोथल जो स्थल है यह भोगवा नदी के किनारे है, यह भी आपको पता होना चाहिए, लोथल भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री होती है, इसका आयात कहाँ से करते थे। तो दोस्तों, सही जवाब है, इसका आयात करते थे हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। दोस्तों, यह जो क्षेत्र है यह वर्तमान में अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों, कहाँ से क्षेत्र है, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, हम और भी कई सारी चीजें थे जो जहां से हम आयात करते थे, जैसे चांदी और टिन है। अगर चांदी और टिन की बात करूं दोस्तों, तो ये हम लोग ईरान और अफगानिस्तान से आयात करते थे, ईरान और अफगानिस्तान, ठीक है। इसके अलावा तांबा दोस्तों, तांबा जो था ये खेतड़ी राजस्थान जो कि फेमस है, खेतड़ी और बलूचिस्तान यहाँ से आयात करते थे, ठीक है। सीसा दोस्तों ईरान से आयात होता था, ये भी आपको याद रखना है, सीसा ईरान से आयात होता था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आर्य शब्द दोस्तों अर्धातु से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है संस्कार द्वारा श्रेष्ठता स्थापित जिसने कर ली हो। और मैक्स मुलर ने दोस्तों भारत को जो है वो मध्य एशिया का निवासी माना है। और आर्यों के द्वारा जो सभ्यता निर्मित हुई, वही सभ्यता क्या कहलाई, वैदिक सभ्यता कहलाई, ठीक है, वैदिक सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता है दोस्तों, ये भी आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ की जो भाषा थी वो संस्कृत बताई गई है, आर्यों की भाषा, ठीक है। और ये इससे पहले दोस्तों जो हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी है, वो चूंकि मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, और यह जो सभ्यता है वह पितृसत्तात्मक सभ्यता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अस्तो मा सद्गमय वाक्य कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों, अस्तो मा सद्गमय वाक्य हमारा कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। अस्तो मां सद्गमय का दोस्तों मतलब होता है, हे ईश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम, दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो दोस्तों, नचिकेता और यम का जो संवाद है दोस्तों, वह हमको कहां मिलता है, कठोपनिषद में मिलता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो दोस्तों, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है 10, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 10 मंडल हैं और 1028 इसमें क्या है, सूक्त हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, 1028 क्या है, सूक्त हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ
तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। तो दोस्तों यह शामिल किया गया मैत्रिणी संहिता में, मैत्रायणी संहिता, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसमें स्त्री की तुलना मदिरा से या जहर से की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो दोस्तों यह है कुंभा या कुम्र, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। दोस्तों काबुल नदी का ही नाम प्राचीन कुभरा नदी है, कुभा या कुंभरा बोल देते हैं। दोस्तों ये कहां पर है? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के काबुल से बहती है, ठीक है, और हिंदू कुश पर्वत से निकलती है ये नदी, ठीक है, और पाकिस्तान में जाती है जहां सिंधु नदी में ये मिल जाती है, ये सिंधु की सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों प्राचीन भारत में जो पहला विदेशी आक्रमण करने वाले थे वो ईरान के शासक थे। कौन से थे दोस्तों? ईरान के शासक थे, और ईरान के शासकों में जो वंश था उस वंश का नाम था दोस्तों हखामनी वंश। हखामनी वंश के शासकों ने भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो दोस्तों इसमें जो समकालीन है वो है आपके अजातशत्रु और प्रसेनजीत, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये दोनों ही गौतम बुद्ध के समकालीन हैं, ठीक है। और अजातशत्रु के बारे में दोस्तों कहा जाता है जैन और बौद्ध दोनों ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है, और यह संभवतः दोनों ही धर्मों को मानने वाला है, ठीक है। कहते हैं कि शुरुआत में यह जैन था लेकिन बाद में धीरे धीरे यह बौद्ध हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों यह स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो दोस्तों बौद्धवाद के प्रचार के लिए सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया गया है वह है पाली भाषा, बौद्ध ग्रंथ आपको अधिकतर पाली भाषा ही में मिलेंगे, ठीक है। जो बौद्ध ग्रंथ है पिटक, जिसको हम त्रिपिटक बोलते हैं, इन त्रिपिटकों की रचना भी दोस्तों पाली भाषा में ही की गई है, और ये त्रिपिटक है सूत्र पिटक, धम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है, और इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो दोस्तों ये किसका नारा था? यह महावीर स्वामी का नारा था, जियो और जीने दो। और महावीर स्वामी किस धर्म के संस्थापक, किस धर्म के प्रवर्तक हैं? तो दोस्तों यह हैं जैन धर्म के प्रवर्तक, ठीक है। और जैन धर्म के यदि मैं संस्थापक की बात करूं तो दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जैन धर्म के ही संस्थापक कह लें, या फिर प्रथम तीर्थंकर थे गौतम बुद्ध, महात्मा महावीर स्वामी दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, 24वें तीर्थंकर हैं। अगला प्रश्न है, हेलियोडोरस का वेश नगर अभिलेख किसे संदर्भित करता है? तो दोस्तों इसका संबंध है वासुदेव से, ठीक है। दोस्तों हेलियोडोरस जो स्तंभ है यह तक्षशिला के शासक जो यवन शासक थे एंटियालकिड्स, इनका राजदूत था, इसने वेश नगर में वासुदेव के सम्मान में एक गरुड़ ध्वज की स्थापना करी थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? तो दोस्तों महावीर की मृत्यु के बाद जो जैन संघ का अगला अध्यक्ष था वो बना गया था सुधर्मन को बनाया गया था, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों यही इसको आगे ले गए थे जैन धर्म को। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है? तो दोस्तों जिसका सबसे ज्यादा प्रचलन हुआ उसका नाम है महायान, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दोस्तों जो बौद्ध धर्म है वो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद आगे चलकर
गौतम बुद्ध की मृत्यु से पहले ही कह लें कि ये दो शाखाओं में बट जाता है, एक हीनयान और एक महायान। ठीक है, महायान दोस्तों जो बुद्ध धर्म का है, ये भारत से शुरू होकर उत्तर की ओर बहुत तेजी से एशियाई देशों में फैल गया, जैसे चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, ठीक है, मंगोलिया, भूटान, यहाँ पर आपको महायान संप्रदाय को मानने वाले ही अधिकतर मिलेंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो दोस्तों अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें आपको मागधी भाषा देखने को मिलेगी अधिकतर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मागधी एक प्राचीन भाषा है, प्राकृत भाषा है, और ये मगध यानी कि बिहार प्रदेश में प्रचलित थी। ठीक है, और इस भाषा का जो उल्लेख है वह महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म के समय से मिलता है। जो बौद्ध जैन धर्म के तीर्थंकर है महावीर स्वामी, उनके उपदेश आपको जनरली मागधी भाषा में ही मिलेंगे या फिर अर्ध मागधी भाषा में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दोस्तों दक्कन की विजय प्राप्त करने वाला शासक था चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा ऐसा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश है दोस्तों, सही है, ये अखंड है, ये भी सही है, स्तंभों का शेफ्ट शुंडाकार है, ये दोस्तों ये भी सही है, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सही उत्तर हो जाएगा आप आंसर डी। ठीक है, ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ये इसके बारे में सही आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन के हिसाब से। तो दोस्तों यह थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न प्राचीन इतिहास से संबंधित। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और कुछ अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, प्रश्नों के साथ हम फिर से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।